Good morning students, welcome to TSN The School. Today we will read and understand English grammar chapter number 3, subject and predicate. So let's start. Students, before हम ये chapter को समझें, हम थोड़ा previous video की तरफ जाते हैं. हमने previous video chapter 2 देखा था, sentence at a glance. उसके अंदर हमने स्टूडेंट्स सेंटेंस के बारे में रीड किया था, तो थोड़ा मैं उसे ब्रीफ में बता देती हूँ आपको. सेंटेंस बताए थे मैंने आपको कि सेंटेंस क्या होता है. व्हाट इज सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेकिंग कंप्लीट सेंस, कि जो कंप्लीट सेंस दे, वर्ड्स का ग्रुप जो, और साथ ही साथ जो वर्ड्स हैं वो एक करेक्ट ऑर्डर में भी हों, ठीक है ना. तो ये था हमारा सेंटेंस. अब सेंटेंस को ही आगे बढ़ाते हुए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, तो स्टार्ट करते हैं. एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, द सब्जेक्ट एंड सेकंड द प्रेडिकेट. सब्जेक्ट, इन अ सेंटेंस द पर्सन प्लेस और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. स्टूडेंट्स, जो हमारा सेंटेंस होता है, हर सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो? फर्स्ट होता है सब्जेक्ट और सेकंड होता है प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मींस होता क्या है? इन अ सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर जो भी हम सेंटेंस रीड कर रहे हैं उस सेंटेंस के अंदर पर्सन हो कोई भी, या प्लेस हो या थिंग. पर्सन कोई भी व्यक्ति, यानी कि बॉय या गर्ल, कोई भी हो सकता है उसके अंदर पर्सन, व्यक्ति जिसे बोल सकते हैं हिंदी में. प्लेस जगह, थिंग कोई भी सामान या वस्तु हो ना, कोई भी चीज़ हो. वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, कि जिस सेंटेंस के अंदर हम किसी पर्सन की बात कर रहे हो, किसी थिंग की बात कर रहे हो, या प्लेस की बात कर रहे हो, जिसके बारे में बात कर रहे हो, वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा. प्रेडिकेट, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. और सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, और कि पर्सन प्लेस जिसके बारे में बात की जा रही है वो तो स्टूडेंट्स होएगा सब्जेक्ट, है ना. जिसके बारे में बात की जाएगी वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट. और उसके बारे में क्या बात की जा रही है वो कहलाएगा प्रेडिकेट. तो आपको क्या याद रखना है कि सेंटेंस में कितने पार्ट हैं? टू पार्ट हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है, और उसके बारे में क्या बात की जा रही है, क्या बात की जाएगी वो किसके अंदर आएगा? प्रेडिकेट के बारे में. अब एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं. रीड एंड से द वर्ड्स अलाउड. फर्स्ट आपका रोहन इज गोइंग टू द मार्केट. फर्स्ट सेंटेंस आपको दिया है स्टूडेंट्स, रोहन कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा है. सेकेंड दिया है इसी तरीके से, निखिल लिव्स इन दिस हाउस. थर्ड आपको दिया है, हिज फ्रेंड इज अ गुड बॉय. ऑल राइट स्टूडेंट्स, अभी तो आपको ये सेंटेंस दिए, देखिए अब इसको एक्सप्लेन किया हुआ है इन द फर्स्ट सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस कौन सा था आपका? रोहन इज गोइंग टू द मार्केट. समथिंग इज सैड अबाउट रोहन, किसके बारे में कहा जा रहा है? रोहन के बारे में. तो जिस भी हमने क्या देखा था, जिसके बारे में कहा जा रहा है, पर्सन प्लेस या थिंग के बारे में बात की जाती है वो क्या कहलाता है? सेंटेंस, ओ सॉरी सब्जेक्ट. तो किसके बारे में बात हो रही है इन फर्स्ट सेंटेंस? रोहन, ठीक है ना. इन द सेकंड सेंटेंस समथिंग इज सेड अबाउट निखिल. देखिए सेंटेंस क्या था, निखिल लिव्स इन दिस हाउस. तो किसके बारे में बात हो रही है? निखिल के बारे में. एंड लास्ट इन द थर्ड सेंटेंस समथिंग इज सेड अबाउट हिज फ्रेंड. और जो लास्ट में हमारा थर्ड सेंटेंस दिया है, हिज फ्रेंड इज़ अ गुड बॉय, उसमें किसके बारे में बात की जा रही है? उसके फ्रेंड के बारे में, हिज फ्रेंड. रोहन, निखिल एंड हिज फ्रेंड आर कॉल्ड द सब्जेक्ट. तो जिनके बारे में बात की जा रही है, फर्स्ट सेंटेंस में कर रहे हैं हम रोहन के बारे में, इन सेकंड सेंटेंस निखिल, एंड लास्ट थर्ड है उसमें की जा रही है हिज फ्रेंड. तो ये क्या हुए, ये क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट्स. नाउ इन द फर्स्ट सेंटेंस व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट. अब हमने देखा कि फर्स्ट सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट था? रोहन. तो रोहन के बारे में क्या बात बोली जा रही है कि रोहन इज गोइंग टू द मार्केट. रोहन के बारे में क्या बताया जा रहा है स्टूडेंट्स, कि वो कहाँ जा रहा है? मार्केट.
रोहन के बारे में बात की जा रही है, इज गोइंग टू द मार्केट। इसी तरीके से इन सेकंड सेंटेंस निखिल के बारे में, लिव्स इन दिस हाउस, कि वह इस मकान में रहता है, इस घर में रहता है। एंड लास्ट का जो आपका थर्ड सेंटेंस है, उसमें क्या बोला जा रहा है, उसके फ्रेंड के बारे में क्या बताया जा रहा है, इज अ गुड बॉय, कि वह एक अच्छा लड़का है। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में इज गोइंग टू द मार्केट, सेकंड में लिव्स इन दिस हाउस, एंड थर्ड में आपके इज अ गुड बॉय, ये क्या कहलाएंगे, प्रेडिकेट। देखिए, जिनके बारे में बात की गई, फर्स्ट में रोहन के बारे में बात की गई थी, सेकंड में निखिल और थर्ड में हिज फ्रेंड, तो वो तो स्टूडेंट्स कहलाए हमारे सब्जेक्ट, जिनके बारे में बात की गई। और उनके बारे में क्या बात कही गई, कि निखिल इज गोइंग टू द मार्केट, सेकंड सेंटेंस में सेंटेंस जो था आपका उसमें बताया गया निखिल लिव्स इन दिस हाउस, और थर्ड सेंटेंस आपका था उसमें बताया इज अ गुड बॉय। तो ये क्या हुआ, प्रेडिकेट। ऑल राइट, तो आपको जो सिलेबस में इतना ही है कि सब्जेक्ट और सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट तो क्या होता है, पर्सन प्लेस थिंग, कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट है उसके बारे में क्या बात की जा रही है, वो प्रेडिकेट कहलाता है। ऑल राइट, रिमेंबर द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट मे हैव वन वर्ड और मैनी वर्ड्स, कि आपको ये याद रखना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, अभी हमने जो सेंटेंसेस देखे उनमें तो वन वन ही थे, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में रोहन, सेकंड में निखिल, एंड जो थर्ड था हमारा उसमें हिज फ्रेंड सब्जेक्ट था। इसी तरीके से प्रेडिकेट भी एक एक ही थे, उनमें वन वन ही थे ना, इज गोइंग टू द मार्केट, इन दिस हाउस, इज अ गुड बॉय, वन वन ही थे। तो एक वर्ड में भी हो सकता है और मैनी वर्ड्स में भी हो सकता है, ठीक है ना, सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी। रोहन एंड रिया आर गोइंग टू द मार्केट, ये भी हो सकता था सेंटेंस, तो सब्जेक्ट दो हो जाते, रोहन एंड रिया, रोहन रिया बन जाते। इसी तरीके से सब्जेक्ट भी वन वर्ड में भी हो सकता है, मैनी वर्ड में भी हो सकता है, और प्रेडिकेट भी वन वर्ड में भी हो सकता है, मैनी वर्ड्स में भी हो सकता है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आपका चैप्टर यही होता है ओवर विद एक्सप्लेनेशन। नाउ बैक एक्सरसाइज टाइम। फर्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द राइट ऑप्शन, इसमें राइट ऑप्शन पे हमें टिक करना होगा। स्टूडेंट्स ये आप सेल्फ करेंगे, मैं बस आपको इसे एक्सप्लेन कर दूंगी। सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन जो है इसका ज़रूर मैं सॉल्व करवा दूंगी, अभी इसको एक्सप्लेन भी करवा दूंगी, बिकॉज ये आपके लिए न्यू कंसेप्ट है। ऑल राइट, फर्स्ट वाला हम देखते हैं, एवरी सेंटेंस हैज़ डैश पार्ट्स, टू बी थ्री सी फोर। अब ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही था, मैंने आपको बताया भी है कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, इसमें से जो भी राइट ऑप्शन होगा उस पर आप राइट टिक कर लेंगे। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, द सब्जेक्ट मे हैव डैश वर्ड ऑब्लिक वर्ड्स, कि सब्जेक्ट कितने वर्ड या वर्ड्स का हो सकता है, ऑप्शन ए वन, बी मैनी, सी बोथ। जो भी राइट आंसर होगा उस पर आपको राइट टिक कर देना है स्टूडेंट्स। लास्ट थर्ड है आपका, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द डैश, अ नाउन, बी सब्जेक्ट, सी प्रेडिकेट। तो आपको इनके आंसर्स सेल्फ करने हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज आप जब चैप्टर रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा, तभी आप कर पाएंगे, और ये आपके भी प्रैक्टिस होगी, इसलिए आप ये सेल्फ करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनको आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में डिवाइड करना है। फर्स्ट आपको एग्जांपल शो किया हुआ है, मोहिनी बॉट टू बुक्स, तो मोहिनी इसका सब्जेक्ट हो गया, बॉट टू बुक्स प्रेडिकेट। इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, ए नंबर पे सब्जेक्ट आएगा, बी नंबर पे प्रेडिकेट आएगा। मैंने आपको लिस्ट शो की हुई है इसी तरीके से बना के, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि क्या चीज़ है। आप लास्ट में मेंशन करेंगे प्रेडिकेट, इसलिए मैंने प्रेडिकेट ऊपर ही मेंशन कर दिया, इसी तरीके से सब्जेक्ट को भी मेंशन किया हुआ है। मैं आपको 2 to 5 करवा देती हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। सेकेंड सेंटेंस आपका, ए रैट सेट अंडर द टेबल, ये आपका सेंटेंस है, तो इसमें
टू पार्ट्स होंगे, सेंटेंस है टू पार्ट्स तो होंगे। फर्स्ट जो पार्ट है वो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा इसका और रेट, और बी पार्ट जो प्रेडिकेट वाला है वो होगा सेट अंडर द टेबल। इसी तरीके से सेंटेंस थ्री है आपका द बॉय इज माई ब्रदर, सब्जेक्ट होगा इसका द बॉय, जो कि हम ए वाले ब्लॉक में मेंशन करेंगे। प्रेडिकेट बी वाले में हम राइट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स इज माई ब्रदर। सेंटेंस फोर है आपका द बॉयज प्ले क्रिकेट, ए वाले डैश में हम फिल करेंगे जो कि सब्जेक्ट का है द बॉयज, और बी प्रेडिकेट के लिए जो है उसमें हम मेंशन करेंगे प्ले क्रिकेट। ऑल राइट, नाउ सेंटेंस फाइव, हु गोज देयर, सब्जेक्ट होगा इसका हु एंड प्रेडिकेट गोज देयर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स आप भी इसको मिक्सअप करके ना राइट डाउन कर दें, इसी तरीके से राइट डाउन करें जैसा कि मैंने किया हुआ है बुक में, तो नीट एंड क्लीन भी लगेगा और आप अच्छे से उसको जब भी आप लर्न करेंगे रीड करेंगे तो बहुत अच्छे से रीड कर पाएंगे, उसे लर्न कर पाएंगे। अगर आपने हॉच पॉच कर दिया, सारा मिक्स कर दिया, तो आपको खुद को भी समझने में प्रॉब्लम आएगी। ऑलराइट, अब क्वेश्चन आपका थर्ड है, राइट सब्जेक्ट फॉर द फॉलोइंग प्रेडिकेट। अब आपको इसमें प्रेडिकेट दिए हुए हैं, सब्जेक्ट राइट डाउन करना है, तो इसमें आपको सेल्फ करना है, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं दिए, हिंट बॉक्स नहीं दिया, इसलिए मैंने आपको ये सॉल्व करके दिया है। फर्स्ट में डैश आर इन द पार्क, सो वी राइट हेयर वी। इन सेकेंड सेंटेंस डैश इज नॉट इन द रूम, फिल करेंगे हम ही। इन सेंटेंस थ्री वेयर दीज डैश हैप्पी, जो इसका ब्लैंक है थर्ड का उसमें हम फिल करेंगे चिल्ड्रन। सेंटेंस फोर डैश आर सिटिंग इन द पार्क, जो फोर्थ का ब्लैंक है उसमें हम फिल करेंगे दे। फिफ्थ डैश इज वेरी यंग, तो सेंटेंस फिफ्थ के डैश में हम फिल कर देंगे शी। रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट्स, फर्स्ट में हम फिल करेंगे वी, सेकंड में ही, इन थर्ड चिल्ड्रन, फोर्थ दे, एंड लास्ट फिफ्थ में हम फिल कर देंगे शी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आपका ये चैप्टर यहीं ओवर होता है विद एक्सप्लेनेशन एंड बैक एक्सरसाइज, एंड आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। आप इसे सेल्फ भी रीड कीजिएगा ताकि आप इसे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, और स्टूडेंट्स आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन में आने आपको सॉल्व करने को दिया है फर्स्ट वाला, आप सेल्फ करें ताकि आप इसे बहुत ही अच्छे से समझ पाएँ। ऑल राइट स्टूडेंट्स, वीडियो आने के जस्ट बाद आपके पास इसका PDF आ जाएगा ताकि आप इसके जो बैक एक्सरसाइज है वो अपनी बुक में सॉल्व कर सकें। स्टूडेंट्स फिर से रिपीट कर रही हूँ बात कि अपनी जो बैक एक्सरसाइज है ग्रामर की वो आपको अपनी नोटबुक में नहीं करनी है, वो ग्रामर बुक में ही फिल करनी है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।